प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, मेरी बहुत प्यारी बहन सुनीता, कई संगठनों के बैठे हुए लोग यहाँ पर हैं, महेश जी हैं, रेशमा, हेमा और दिव्या, आप सही मायनों में इस देश की हीरो हैं, न केवल हैदराबाद की बल्कि पूरे मुल्क की। जिन बच्चों ने यहां पर अपनी बात रखी, चाहे वो हैदराबाद सिटी पार्लियामेंट के बच्चे हों और चाहे दिव्य दिशा के बच्चे हों, आपने जो बातें रखी हैं, मैं पूरी तरीके से उनका समर्थन करता हूं। आप लोगों की बात सुन के मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये रात हमें दिख रही है हमारे बाहर, पूरे भारत में रात हो रही है, इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन जो कुछ यहां हो रहा है, जो मसाले यहां जल रही हैं, इधर उधर जो मोमबत्तियां जल रही हैं, उनसे कहीं ज्यादा भड़कता हुआ सूरज हम में से हर एक के अंदर जल रहा है और पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया को इजारा देने के लिए हैदराबाद का ये मैदान काफी है। तुम तीनों बेटियों ने जो कहा, मैं उस सारी कायनात में चलने वाले धर्मों को, मर्यादाओं को, संविधानों को, कानूनों को, उन परंपराओं को, रीति रिवाजों को, जो अत्याचार की शिकार हुई किसी पीड़िता को दोषी मानते हो, नीचा मानते हो, उसकी बेइज्जती समझते हो, मैं अस्वीकार करता हूं उन सबको। कोई बंदी कभी अपवित्र नहीं होती, कभी किसी बंदी की इज्जत नहीं लुटती, इज्जत तो उनकी लुटती है जिनके खिलाफ यह जंग शुरू हुई है। ये जंग है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और हम बता देना चाहते हैं जो हमारे बच्चों को सिर्फ शरीर समझते हैं, जिस्म समझते हैं, जो हमारे बच्चों को नाम की गुड़िया समझ के उनको ले जाते हैं मसाज पार्लर में, उनको ले जाते हैं वेश्यालय में, उनको जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदते बेचते हैं, जो हमारे बच्चों को गुलाम बनाते हैं घरों में ईंट के भट्टों में, वो तमाम अपराध में सुन लो, आज का दिन, आज से तुम अपने दिल में शुरू कर लो। भारत की जनता इसे स्वीकार करने तैयार नहीं है। भारत उठ खड़ा हो रहा है इस जंग के लिए। हमारे डर में हम जी रहे हैं, घुट रहे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारों के अत्याचारों से हमारी बेटियां घुट रही हैं और परंपरा के नाम से उन्हें शांत करा दिया जाता है, शिकायत नहीं कर पाते, पुलिस में शिकायतें नहीं जा पाती। इस सारे डर का खात्मा करेंगे हम और चुप्पी को तोड़ेंगे। जो सामने लिखा है ब्रेक द साइलेंस, आज भारत अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, भारत के नौजवान, भारत के बच्चे अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं और चुप्पी तोड़कर हम कहना चाहते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, तुम स्कूलों में हमारे साथ बलात्कार करते हो, बहुत हो गया, तुम घरों में हमारी इज्जत लूटने का ढोंग करते हो, तुम खुद अपनी इज्जत लुटवाते हो, हमारे साथ बलात्कार करते हो, बहुत हो गया, तुम बच्चों को खरीदते और बेचते हो, अब आगे नहीं होगा। आज देश ने चुप्पी तोड़ दी है,
आज सरकार धर्मगुरु नौजवान छात्र राजनीतिक पार्टियों के लोग सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में लड़ रहे हैं। मुझे चूंकि दूसरी जगह जाना है, अभी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिनके साथ भी कहीं कहीं जुल्म हो रहा है, जिनके साथ भी कहीं कोई बलात्कार कर रहा है, यौन हिंसा कर रहा है, जिन बेटियों और बच्चों को घुट घुट कर मरना पड़ रहा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरे बेटे हैं, और जब तक उनको इज्जत की सुरक्षा की जिंदगी नहीं मिलेगी, हमारा यह जंग जारी रहेगा। आप इसके लिए तैयार हैं? हम कानून जो है उन्हें लागू कराएंगे, जो कानून नहीं है उन्हें लागू बनवाएंगे, लागू कराएंगे। बच्चों की आवाज जो यहां से निकली है वो परमात्मा की आवाज है। सरकार कहीं भी हो, कोई भी हो, धर्मगुरु कहीं भी हो, कोई भी हो, एनजीओ के लोग हों, पॉलिटिशियंस हो, माता पिता हो, इन बच्चों की आवाज में आज परमात्मा बोल रहा है। अगर इनके अंदर शिष्कारी उठती है तो परमात्मा रोता है, तुम्हें इनकी आवाज सुननी पड़ेगी, पूरे देश को इनकी आवाज सुननी पड़ेगी। और आज ये जलती हुई मशालें हमारे अंदर में और हमारे बाहर में उजाला लाएंगी। जिनके दिलों दिमागों में कचरा भरा है, गंदगी भरी है, उनके लिए भी उजाले की हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन चेतावनी भी देते हैं कि अब उनकी जगह जेलों के अंदर होगी, घरों में नहीं होगी, मोहल्लों में नहीं होगी, गलियों में नहीं होगी। भारत को सुरक्षित भारत बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हर घर को सुरक्षित बनाएंगे, चुप्पी तोड़ेंगे, स्कूलों को सुरक्षित बनाएंगे। तो मेरे साथ मिलकर एक शपथ लीजिए, मैं कैलाश सत्यार्थी संकल्प लेता हूं कि बलात्कार, यौन अत्याचार और ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, इसका हर कीमत पर विरोध करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि बच्चों के खिलाफ जहां जहां जो भी हिंसा होती है, चाहे वो बाल मजदूरी हो, बच्चों की दास्ता हो, बाल विवाह हो, उस सब के खिलाफ युद्ध में शामिल होऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि हिंसा के लिए जहां भी बच्चों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। बाल यौन शोषण और बलात्कार के मामले में जहां भी मुझे सूचना मिलेगी, मैं उचित जगह पर कार्रवाई के लिए प्रयास करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि आज से इस युद्ध का सिपाही हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि भारत को सुरक्षित भारत बनाऊंगा, तेलंगाना को सुरक्षित तेलंगाना बनाऊंगा, हैदराबाद को सुरक्षित हैदराबाद बनाऊंगा। आई विल मेक माई इंडिया सेफ, आई विल मेक माई इंडिया।